नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। करवा चौथ पर 100 साल बाद राजयोग सहित आधा दर्जन शुभ योग निर्मित हो रहे हैं। तिथि बार नक्षत्र और ग्रहों का संयोग पूजा की शुभता को बनाएगा। सौभाग्य पर्व पर शिव योग, अमृत योग और सर्वा सिद्धि योग के साथ शंख योग, राज केसरी योग, हंस योग, दीर्घायु नाम के राजयोग चंद्र उदय के साक्षी रहेंगे। वहीं भारत में ग्वालियर जिले में सूर्योदय 8:30 पर हुआ। शिव योग देगा महिला को अखंड सौभाग्य का वरदान। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु व स्वास्थ्य की मंगल कामना कर चंद्रमा को अर्थ अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। करवा चौथ की पति और पत्नी दोनों के लिए अच्छा प्रतीक होता है। इसमें दोनों के बीच एक दूसरे का विश्वास बना रहता है। दिन सुहागिनों, स्त्रियां अपने वस्त्र और आभूषण को पहनकर चंद्रमा से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ पर राजयोग सहित 6 शुभ योग होने अखंड सौभाग्य का निर्माण हो रहा है। वहीं करवा चौथ का चंद्र उदय मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध का दिन गणेश जी का होता है। यह संयोग भी खास होगा गणेश चतुर्थी में। यह एक चतुर्थी है जिसमें संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। करवा चौथ पर बना रहा शिव योग कल्याणकारी और सफलता का कारण रहेगा। इस युग में पूजा करने वाली महिला का पूरा जीवन सुखमय और कल्याणकारी होगा। इसमें नवविवाहित भी इस व्रत को संपूर्ण रूप से साकार कर सकती हैं। नवविवाहित भी इस व्रत में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। करवा चौथ का व्रत रखते समय नवविवाहित भी शिवाजी से अपने पति प्रेम रूपी मांगने के लिए यह करवा चौथ का व्रत रखती हैं और संपूर्ण रूप से संपन्न होती हैं। बिथरवार संवाददाता ईशा खान की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।